तो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि गोकू किस तरह से युजीरो को उसकी लिमिट दिखाता है और ब्रोली वेजिटा को अरेस्ट करके ले जाता है और फिर वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को धमका के आता है। तो इतना सब आपने देख लिया होगा, तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। मगर आप सभी का सपोर्ट मिलता है तो मजा ही आ जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू कहता है, जितना मैंने सोचा था ग्रैंड ब्रिस्ट का पैलेस उससे भी कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस से भरा हुआ है, क्या मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी गोकू को एक मिरर नजर आता है। गोकू कहता है, एक मिनट, ये मिरर में से धुआं कैसे नजर आ रहा है, क्या है आखिर इस मिरर में। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप भी कैकरोट के ग्रैंड मिनिस्टर बनने से परेशान है। बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे गोकू से ये उम्मीद नहीं थी। वेजिटा कहता है, क्या बात है, कैकरोट ने ऐसा क्या कर दिया। बीरस बोलता है, गोकू ने डिस्ट्रॉयर बनने से मना कर दिया, लेकिन जब ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन मिली तो वो कैसे मान गया। मुझे तो लगता है कि गोकू मेरी पोजीशन को कुछ भी नहीं समझता है। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, कैकरोट ऐसा नहीं है, उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, वो हर लड़ाई जीता तो सिर्फ बाकियों के लिए, उसने खुद के लिए कभी शेनरॉन से विश तक नहीं मांगी, उसने खुद को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सेन कभी बदल सकता है। बीरस कहता है, तुम कह तो एकदम सही रहे हो। वेजिटा कहता है, हम सेन ऐसे ही हैं, दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो हमें ह्यूमन से कम मत समझना। बीरस कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं समझ गया। वेजिटा कहता है, ठीक है तो मुझे गॉड्स की एक मीटिंग में जाना है, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। बीरस कहता है, ठीक है जाओ, मगर मुझे ये बताओ कि हम तो गोकू को गोकू ही कहते हैं, तो अकेले में तुम ही गोकू को कैकरोट क्यों कहते हो। वेजिटा अब स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि कैकरोट को मैं बचपन से जानता हूँ। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, ये सेंस कहने को तो दोस्त है, मगर हरकतें इनकी भाइयों जैसी है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, कहो चैंपा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। चैंपा कहता है, वेजिटा, तुम हमारे नंबर वन डिस्ट्रॉयर हो, तो अब तुम्हें ही फैसला करना होगा। वेजिटा कहता है, मगर बात क्या हुई ये तो बताओ। तभी क्यूटेला कहता है, वेजिटा, ये बेल मूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वेजिटा कहता है, क्या बात है, उसने ऐसा क्या कर दिया। चैंपा बोलता है, वो बेलमोड हमें धोखा दे रहा है। वेजिटा कहता है, वो तो ठीक है, मगर हुआ क्या। चैंपा बोलता है, ये बेलमोड हमारे यूनिवर्स में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है। वेजिटा कहता है, क्या कहा, उसने ऐसा किया। चैंपा बोलता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, मगर वो है कहाँ। क्यूटेला कहता है, वो जोकर यहाँ नहीं आया है, बल्कि वो छुप कर बैठा है और उसने इस बुढ़ऊ को भेज दिया है। वेजिटा कहता है, अच्छा तो टोपो यहाँ आया है, बताओ टोपो, क्या ये सच है। टोपो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, वेजिटा ये लोग क्या कह रहे हैं। चैंपा कहता है, ज्यादा बोले मत बनो। टोपो कहता है, सच कह रहा हूँ वेजिटा, मुझे तो बोला गया है कि मुझे यहाँ पर आना है, क्योंकि सभी गॉड्स की मीटिंग है। वेजिटा कहता है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। चैंपा कहता है, इसके बोलने से क्या होता है, हमें पता है ये जिसने भी किया है वो सब यूनिवर्स 11 से ही है, क्योंकि हमें उसकी की सेंस हो गई थी। वेजिटा कहता है, इसका मतलब तुमने बेलमोड को नहीं देखा। क्यूटेला कहता है, नहीं। वेजिटा कहता है, अरे तो जब तुम लोगों के पास कोई सबूत ही नहीं है तो तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, क्यों तुम यूनिवर्स 11 पर इल्जाम लगा रहे हो। इड्रा कहता है, क्योंकि वो बेलमोड हर जगह टोपो के साथ रहता है, मगर वो आज ही नहीं आया, इसका मतलब कि वो छुपा बैठा है। वेजिटा पूछता है, टोपो बेलमोड कहाँ है और यहाँ क्यों नहीं आया। टोपो कहता है, उन्होंने तो कब का इस पोजीशन को छोड़ दिया और कहा कि अब उन्हें इस गॉड पावर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वेजिटा कहता है, इस वक्त वो कहाँ है। टोपो कहता है, वो होंगे अपने पैलेस में, मगर उन्होंने कहा था कि अब वो हमारी कोई मीटिंग में नहीं आएंगे। वेजिटा कहता है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, कल बेलमोड को यहाँ भेज देना, समझे तुम, मुझे बेलमोड यहाँ पर चाहिए,
और मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। अब जाओ सभी अपने अपने यूनिवर्स, टोपो कहता है। ठीक है वेजिटा। सभी अपने यूनिवर्स चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, बेलमोट की एक और कंप्लेंट, इस बारी वो बचेगा नहीं, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सीन जाता है कोकू पर और वो उस मिरर को देख चुका होता है और बोलता है, अच्छा तो ग्रैंड प्रिस्ट इस मिरर का यूज करते हैं, ये तो काफी काम की चीज है। लेकिन अब मुझे वापस चलना चाहिए, मैं फिर आऊंगा और आगे की खोज करूंगा। अब गोकू उस पैलेस में से चला जाता है। नेक्स्ट डे सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, आ गए सभी। सिड्रा कहता है, टोपो और बेलमोट नहीं आए। वेजिटा बोलता है, क्या वो अभी तक नहीं आए? तभी टोपो और बेलमोट भी वहां पर आ जाते हैं और बेलमोट बोलता है, आ गया भाई, आ गया मैं। वेजिटा कहता है, तुम्हें टाइम का पता नहीं है क्या? सभी यहाँ पर टाइम पर आ गए हैं। बेलमोट कहता है, अरे वेजिटा मेरा यूनिवर्स कितना दूर भी तो है। वेजिटा कहता है, अच्छा यूनिवर्स 12 का डिस्ट्रॉयर यहाँ आ सकता है तो तुम क्यों नहीं? बेलमोट बोलता है, अब आ गया ना, अब बताओ मुझे क्यों बुलाया है। वेजिटा कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले तुम ये बताओ, बिना डिस्ट्रॉयर के पोजीशन के तुम्हें कैसा लग रहा है? बेलमोट कहता है, अच्छा ही लग रहा है, सब शांत लग रहा है, क्योंकि अब कोई ड्यूटी ही नहीं है और ना ही कोई टेंशन। वेजिटा कहता है, अच्छा तो आप काम की बात करते हैं। बेलमोट कहता है, ओके करो। वेजिटा कहता है, बेलमोट तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा है कि तुमने इन गॉड्स के यूनिवर्स में घुसकर इनके लोगों को मारा है। बेलमोट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम वेजिटा, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वेजिटा कहता है, मुझे क्या पता कि तुम कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। बेलमोट कहता है, नहीं वेजिटा मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यूटेला कहता है, इस जोकर पर विश्वास मत करना, ये बहुत ही चालाक है। टोपो कहता है, वेजिटा मुझे लगता है कि लॉर्ड बेलमोट सुधर चुके हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। वेजिटा कहता है, अच्छा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि बेलमोट ने अच्छाई करने पर कोई मेडल जीत रखा हो। टोपो कहता है, ऐसा नहीं है। वेजिटा कहता है, चुपचाप खड़े रहो। बेलमोट कहता है, तुम सभी को गलत फहमी होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वेजिटा बोलता है, तुम्हारी बात का हम यकीन कैसे करें, तुमने पहले ही इतने बड़े कांड कर रखे हैं। बेलमोट कहता है, वेजिटा पहले की बात अलग थी, अब मैं बदल चुका हूँ। वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम गॉड्स तो हो नहीं, तो तुम्हारा इतना कोई काम भी नहीं है, है ना? बेलमोट पूछता है, क्या मतलब? वेजिटा कहता है, मतलब कि सबको तो तसल्ली होगी जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगे। अब ये सुनकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है और टोपो भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बेलमोट कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं कह रहा हूँ कि सारी जड़ की फसाद तुम ही हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा और शायद यहाँ पर इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। तभी क्यूटेला कहता है, हाँ वेजिटा सही कहा तुमने। चैम्बा भी कहता है, एकदम सही फैसला लिया वेजिटा। बेलमोट कहता है, अरे क्या बोल रहे हो तुम, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सजा किस बात की? वेजिटा कहता है, सजा हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए है, ताकि हमें परेशानी ना हो। बेलमोट चौंक होता है और कहता है, वेजिटा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। टोपो कहता है, वेजिटा ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वेजिटा कहता है, चुप करो तुम टोपो, सबको पता है कि असली क्रिमिनल कौन है और इस जोकर के तो फेस से ही गद्दारी नजर आती है। बेलमोट अब वेजिटा से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, नहीं वेजिटा प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वेजिटा कहता है, बेलमोट रेडी हो जाओ मरने के लिए। टोपो कहता है, वेजिटा मैं जब कह रहा हूँ कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। वेजिटा कहता है, टोपो सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम इस सजा के शिकार हो जाओगे। टोपो कहता है, एक डिस्ट्रॉयर को मारने का हक तुम्हारे पास नहीं है। वेजिटा बोलता है, मैं डिस्ट्रॉयर को थोड़ी मार रहा हूँ, बेलमोट अब डिस्ट्रॉयर नहीं है, इसलिए उसे खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यूटेला स्माइल करता है और कहता है, हाँ 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 अब आ रहा है मजा,
बेलमोंट की मौत देखकर दिल को सुकून मिलेगा। बेलमोंट बोलता है, वजेटा मेरे खिलाफ चाल चले जा रहे हैं, ये मैंने नहीं किया, मेरा यकीन मानो। वजेटा बोलता है, अब बहुत देरी हो गई है। तभी वजेटा अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, आकाश। बेलमोंट अब चिल्लाने लगता है, मगर तभी गोकू यहाँ आता है और उस हाथाई को गायब कर देता है। गोकू कहता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ, कोई बताएगा मुझे? गोकू से कहता है, मुझे बचाओ गोकू, मुझे बचाओ। तभी क्यूटेला कहता है, लो आ गया कबाब में हड्डी। बेलमोंट कहता है, प्लीज गोकू मुझे इन सभी से बचा लो। तभी टोपो बीच में आकर कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, लॉर्ड बेलमोंट। बेलमोंट बोलता है, क्या हुआ? टोपो कहता है, आप इन्हें गोकू नहीं बल्कि ग्रैंड मिनिस्टर कहिए। बेलमोंट कहता है, चल भाग बुड्ढे यहाँ से, मुझे यहाँ क्या मरवाने के लिए बुला लिया? तभी वजीटा कहता है, ओए बेलमोंट यहाँ आओ जल्दी। बेलमोंट कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझे बचा लो, ये सभी मुझे मारना चाहते हैं। गोकू बोलता है, क्या कोई बोलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वजीटा कहता है, कैकरोट बेलमोंट को हमारे हवाले कर दो, इसे हम देख लेंगे। गोकू कहता है, वजीटा मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों उसे मार रहे हो? वजीटा कहता है, कैकरोट तुम्हें मैटर का कुछ भी नहीं पता है, बेलमोंट को हमारे हवाले करो। बेलमोंट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं। तभी चंपा कहता है, ओए जोकर चल इधर आ। तभी गोकू चंपा को गुस्से में देखता है, चंपा डरते हुए चुप हो जाता है। गोकू बोलता है, वजीटा बेलमोंट तुम्हारे पास नहीं आएगा। वजीटा कहता है, कैकरोट तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? गोकू कहता है, इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेलमोंट ने किया क्या है। वजीटा कहता है, ठीक है क्यूटेला तुम बोलोगे चलो। क्यूटेला कहता है, तो ग्रैंड मिनिस्टर मेरा नाम है क्यूटेला और मैं हूँ यूनिवर्स 4 का डिस्ट्रॉयर। तभी वजीटा गुस्से में कहता है, अबे ओए तुम यहाँ क्या राशन कार्ड बनवाने आए हो? क्यूटेला कहता है, ओके बोलता हूँ। तो ग्रैंड मिनिस्टर बेलमोंट पर ये इल्जाम है कि इसने हमारे यूनिवर्स में जाकर हमारे ही लोगों को मारा है। वजीटा कहता है, अब सुन लिया कैकरोट, चलो अब बेलमोंट को यहाँ भेजो। बेलमोंट कहता है, नहीं नहीं मुझे बचा लो ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, एक मिनट वजीटा, और क्यूटेला ये बताओ क्या बेलमोंट ने तुम्हारे लोगों को मारा है? क्यूटेला कहता है, नहीं। गोकू गुस्से में कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो पीछे जाओ। दूसरों की मौत पर बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? क्यूटेला कहता है, माफ कर दीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू पूछता है, किसके यूनिवर्स में बेलमोंट ने हमला किया, बताएगा कोई? चंपा कहता है, वो मेरे ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, तुम्हारे यूनिवर्स में? तो फिर बाकी के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो जाओ यहाँ से। तभी वजीटा कहता है, ओ हेलो हीरो, इन सभी को मैंने यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मुझसे बात करो। तभी गोकू कहता है, ठीक है तुमसे भी बात कर लेंगे, पहले चंपा से तो बात कर लूँ। चंपा डरते हुए कहता है, क्यों मुझसे? गोकू कहता है, हाँ तुमसे। वजीटा कहता है, घबरा क्यों रहे हो चंपा, बोलो जल्दी। गोकू कहता है, बताओ चंपा क्या तुम्हारे यूनिवर्स में बेलमोंट ने ऐसा किया? चंपा कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू पूछता है, क्या तुमने खुद देखा बेलमोंट को ऐसा करते हुए? चंपा कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। गोकू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। देखो चंपा लास्ट टाइम कह रहा हूँ, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। चंपा डरते हुए कहते हैं, और नहीं नहीं मैं कह रहा था कि मैंने अपनी इन्हीं आंखों से नहीं देखा, बल्कि मुझे उस जगह पर बेलमोंट की सेंस हुई थी। गोकू कहता है, तो इससे तुम ये कैसे कह सकते हो कि बेलमोंट ही वो था? बेलमोंट कहता है, यही तो मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वजीटा कहता है, कैकरोट इसका फैसला मैं लूंगा, बेलमोंट का तुम्हें पता ही है कि वो कैसा है, ये पक्का इसी ने किया है। गोकू कहता है, किसी और की जान लेने का हक तुम्हें किसने दिया? वजीटा गुस्से में कहता है,
मैं इनका लीडर हूँ। तभी गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम लीडर हो मैं यहाँ का ग्रैंड मिनिस्टर हूँ, अब तुम क्या कहना चाहोगे। वजीटा कहता है, अच्छा ये नौटंकी कपड़े पहनकर तुम ग्रैंड मिनिस्टर बनकर आए हो। गोकू कहता है, नहीं वजीटा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर गलत हो रहा है। वजीटा कहता है, क्या मतलब है कि यहाँ गलत हो रहा है। गोकू कहता है, बिना कोई सबूत के तुम बेलमोड को नहीं मार सकते हो। वजीटा कहता है, ऐसी बात है तो फिर चैंपा की प्रॉब्लम का क्या होगा, उसे भी सॉल्व करो। गोकू कहता है, उसका भी जल्द ही पता चल जाएगा, तुम तब तक शांत रहो। क्यूटेला धीरे से कहता है, वजीटा की तो यहाँ बेइज्जती हो गई है। वजीटा गुस्से में क्यूटेला की तरफ देखता है। बेलमोड बोलता है, शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मेरी जान बचा ली। गोकू कहता है, टोपो तुम बेलमोड को लेकर जाओ। टोपो कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। अब बाकी सभी डिस्ट्रॉयर वहाँ से चले जाते हैं, बस वजीटा और गोकू ही वहाँ रुके होते हैं। वजीटा कहता है, कैकरोट ये तुमने सही नहीं किया। गोकू बोलता है, वजीटा मैंने बीच में आकर एकदम सही किया है। वजीटा कहता है, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी है। गोकू कहता है, कैसी इंसल्ट वजीटा, किसी की जान बचाना इंसल्ट नहीं होती है। वजीटा कहता है, क्या हमेशा मेरे मैटर में घुसते हो। गोकू कहता है, ये सब मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ वजीटा, ये हालातों की वजह से हो जाता है। वजीटा कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में विश और लॉर्ड बीरस को बता रहा था कि कैकरोट चेंज नहीं हुआ है, अगर मैं गलत था तुम चेंज हो गए हो। अब वजीटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, मुझे जल्द ही पता करना होगा कि ये सब कौन कर रहा है, कोई तो ऐसा है जो बेलमोड को फंसा रहा है, मगर वो कौन हो सकता है, कहीं वो क्यूटेला या चैंपा में से कोई तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वजीटा तुमने कल की मीटिंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या हुआ वहाँ पर। वजीटा कहता है, अब क्या बताऊँ आपको लॉर्ड बीरस, आपने कैकरोट के बारे में जो कहा था वो सही था, वो पोजीशन के बाद बदल चुका है। बीरस बोलता है, क्या बात है, कल गोकू वहाँ आया था क्या। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और उस कैकरोट ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मिलता है क्रिलिन से। गोकू कहता है, क्या हाल है क्रिलिन, कैसा चल रहा है सब। क्रिलिन कहता है, एकदम बढ़िया चल रहा है गोकू, तुम बताओ। तभी वहां पर ब्रोली आता है और कहता है, हेलो गोकू। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे ब्रोली तुम बड़े दिनों बाद नजर आए हो। ब्रोली कहता है, हाँ मैं बस ऐसे ही घूमने चला गया था। गोकू पूछता है, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। ब्रोली कहता है, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं अब गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर चुका हूँ। क्रिलिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, वाह इसका मतलब कि अब तुम एक जॉब करने लग गए हो। ब्रोली कहता है, हाँ गोकू, और मुझे इस काम में मजा भी आ रहा है। गोकू कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। ब्रोली कहता है, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुरंत बुला लूंगा। ब्रोली पूछता है, वैसे गोकू तुम अब क्या करते हो। गोकू कहता है, मैं तो अब ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन संभाल रहा हूँ। तभी क्रिलिन और शॉक हो जाता है और कहता है, क्या गोकू तुम ग्रैंड प्रिस्ट बन गए हो। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट नहीं ग्रैंड मिनिस्टर। ब्रोली कहता है, तुम तो सच में बहुत आगे निकल गए हो गोकू, वहां पर वजीटा डिस्ट्रॉयर बन गया है और यहाँ तुम ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, अरे हाँ मुझे एक जरूरी काम से जाना था। ब्रोली कहता है, ठीक है गोकू, मैं भी अब चलता हूँ, मुझे भी काम करने जाना है। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, उस गोकू ने बेलमोट को बचा लिया, वो तो बेलमोट के बारे में सब जानता है फिर भी उसने ऐसा किया। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो हमारा ग्रैंड मिनिस्टर जो है। तभी वहां पर गोकू आता है और बोलता है, हे वजीटा मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तभी वजीटा गुस्से में कहता है, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वजीटा कहता है, क्यों
तुम्हें नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? गोकू कहता है, अच्छा तुम कल की बात से नाराज हो, लेकिन मैं उसी चीज के लिए बात करने आया हूँ ताकि हम इसे साथ में सोल्व करें। वजीटा कहता है, नहीं अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप ही इसे समझाओ। बीरस कहता है, नहीं गोकू, इस बार वजीटा यहाँ पर सही है, तुमने बेलमोट को छोड़कर गलती कर दी है। गोकू कहता है, अच्छा तो वजीटा ने आपको भी बता दिया, चलो कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें बेलमोट की कोई गलती हुई तो कौन सा भागा जा रहा है, हम फिर से उसे पकड़ लेंगे, फिर आप उसे सजा दे देना। बीरस कहता है, गोकू की बात में दम है वजीटा। वजीटा कहता है, तो बताओ क्या करना है मुझे। वजीटा पूछता है, कहो क्या करोट, क्या प्लान है तुम्हारा? और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करा तो तुम्हें अपने हाथों से बेलमोट को मारना होगा। गोकू कहता है, वजीटा ये तो तुमने बहुत ही मुश्किल बात बोल दी है, चलो फिर भी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वजीटा कहता है, ठीक है तो डील डन। बीरस बोलता है, वजीटा गोकू तुम दोनों लड़ा मत करो, जब भी लड़ते हो मेरा सिर दुखा देते हो। गोकू कहता है, मैं तो नहीं लड़ाई करता, बल्कि इस वजीटा का ही दिमाग गर्म रहता है। वजीटा कहता है, तुम्हारा मजाक हो गया हो तो काम की बात करें। गोकू कहता है, क्यों नहीं। वजीटा कहता है, तो प्लान क्या है? गोकू कहता है, प्लान ये है कि तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। वजीटा शॉक्ड होकर बोलता है, कैसी एक्टिंग के करोट? गोकू कहता है, बताता हूँ थोड़ा सब्र रखो। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो डरते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मार्गरेटा कहती है, मगर हुआ क्या लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, मैं ये पैलेस छोड़कर दूर चला जाऊंगा जहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मार्गरेटा कहती है, क्या आप मुझे बताना चाहोगे कि आपको हुआ क्या है? बेलमोट कहता है, क्या तुमको पता है कि कल मैं मरते मरते बच गया? मार्गरेटा कहती है, अच्छा मगर ये हुआ कैसे? बेलमोट कहता है, वो तो गोकू वहाँ आ गया, नहीं तो कल मुझे कोई भी नहीं बचा पाता। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट लेकिन आप घबरा क्यों रहे हो? बेलमोट कहता है, मैं इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे मौत की सजाएं सुनाई जा रही है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता हूँ। तभी जिरेन आता है और कहता है, क्या बात है मार्गरेटा, लॉर्ड बेलमोट ऐसे क्यों कर रहे हैं? मार्गरेटा कहती है, पता नहीं जिरेन, लॉर्ड बेलमोट बहुत घबराए हुए हैं और वो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। जिरेन कहता है, आप यहाँ से क्यों जा रहे हो लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, क्यों तुम क्या कर लोगे, तुम मेरी प्रॉब्लम को कभी सोल्व नहीं कर सकते हो। जिरेन कहता है, आप यहाँ से कहीं पर भी मत जाइए लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मगर क्यों? जिरेन कहता है, अगर आप यहाँ से कहीं भाग जाओगे तो सीधा शक आप पर ही जाएगा और वो लोग फिर आपको ही दोषी समझेंगे, इसलिए आप यहीं रुकिए। बेलमोट पूछता है, अच्छा जिरेन तुम तो एकदम सही कह रहे हो, मगर तुम्हें ये सब किसने बताया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? जिरेन कहता है, ओ आपकी बात तो मुझे टोपो से पता चली, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। बेलमोट कहता है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मगर वो टोपो उसने मुझे वहाँ बुलवा कर मरवा ही दिया था बस। जिरेन कहता है, अब छोड़िए लॉर्ड बेलमोट, गोकू ने आपको बचा लिया है तो अब वो ही सिचुएशन को संभाल लेगा। बेलमोट कहता है, उस वजीटा पर मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अरे हाँ जिरेन, पहले तो उसका पता लगाओ जो हमारे यूनिवर्स में से जाकर दूसरे यूनिवर्स में ये सब कांड कर रहा है, उसी की वजह से मैं फंस रहा हूँ। जिरेन कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बेलमोट, आपको फंसाने वाले को मैं बहुत ही जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। बेलमोट स्माइल करता है, तुम बहुत ही अच्छे हो जिरेन, तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिल गया। जिरेन कहता है, अब मैं चलता हूँ लॉर्ड बेलमोट। अब जिरेन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे
वेजिटा जाता है यूनिवर्स 6 पर और वो चैंपा से कहता है, चैंपा मेरी बात सुन लो, कैकरोट उस दिन तो बीच में आ गया, मगर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। चैंपा कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सही है वेजिटा? ग्रैंड प्रिस्ट ने साफ साफ कह दिया कि वो अब बेलमोड को कुछ नहीं होने देंगे। वेजिटा कहता है, तो क्या हुआ उस कैकरोट से? मैं नहीं डरता हूँ, अगर उस बेलमोड ने मेरे साथ ऐसा किया होता तब मैं उसे खुद अपने हाथों से मार डालता, और मैं किसी का इंतजार नहीं करता, और वो बेलमोड ऐसा नहीं कर सकता, वो डरपोक है, उसमें अगर हिम्मत है तो मेरे यूनिवर्स में ऐसा करके दिखाए, फिर उसे कैकरोट भी नहीं बचा पाएगा। तभी हमें एक जगह पर एक शख्स दिखाई देता है जो कि वेजिटा की सारी बात सुन रहा होता है। वेजिटा कहता है, चैंपा तुम्हें तो पता ही है कि मेरे यूनिवर्स की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है, और वहाँ पर तो कोई बाहर का बंदा घुस ही नहीं सकता है। चैंपा कहता है, तो ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? वेजिटा कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस बेलमोड में दम है, तो एक बार मुझसे पंगा लेकर दिखाए। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ। वेजिटा वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है, सारी पागलों वाली हरकतें यूनिवर्स 7 के ही लोग करते हैं। अब वो शख्स कहता है, लगता है कि यही करना ठीक रहेगा। बेलमोड, इस बार तो तुम बच गए, मगर अब नहीं बचोगे, अब तुम्हारी मौत होकर ही रहेगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो मिलता है गोकू से। गोकू कहता है, वेजिटा जैसे मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, मगर क्या ये प्लान वर्क करेगा? गोकू कहता है, उम्मीद तो है। इससे आगे का क्या प्लान है ये बताओ बस। गोकू कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा वेजिटा, तुम टेंशन मत लो। अब सीन जाता है क्यूटेला पर और वो बोलता है, उस गोकू ने सारा मजा किरकिरा कर दिया, अगर वो वहाँ नहीं आता तब कितना मजा आता, बेलमोड जिंदा नहीं रहता। फिर सीन जाता है क्यूटेला पर और वो भी ये कहता है, बेलमोड ने तो सारी हदें पार कर दी है, उसे मरने ही देना चाहिए। तभी मोहितो बोलता है, लॉर्ड सिड्रा आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो? सिड्रा कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि अगर बेलमोड मर जाता तो टेंशन ही खत्म हो जाती। मोहितो कहता है, तो फिर मैं एक प्लान बना देता हूँ बेलमोड को मारने का। सिड्रा कहता है, नहीं नहीं, अभी तुम इस मैटर में ना घुसो, क्योंकि मामला गर्म चल रहा है, एक कदम से बेलमोड के सारे इल्जाम हम पर लग सकते हैं। मोहितो कहता है, जी माय लॉर्ड। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, यहाँ मेरी ड्यूटी क्यों लगाई है पता नहीं, इधर तो कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर आ जाता है जीरेन। ब्रोली जीरेन को देखता है और बोलता है, हाँ ये कौन है, इस जगह पर ये क्या कर रहा है, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। जीरेन अब आगे बढ़ रहा होता है। तभी ब्रोली कहता है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आना मना है। जीरेन अब ब्रोली के सामने आता है और कहता है, तुम कौन हो? ब्रोली कहता है, लगता है कि हम पहली बार ही मिल रहे हैं, मेरा नाम ब्रोली है, मगर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जीरेन कहता है, नाम में क्या रखा है, मैं तुम्हें डायरेक्ट काम बता देता हूँ। ब्रोली बोलता है, जल्दी कहो। तभी जीरेन कहता है, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तभी जीरेन ब्रोली के एक पंच मारता है जिससे ब्रोली पीछे हट जाता है। ब्रोली कहता है, तो तुम लड़ने आए हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जीरेन कहता है, मैं क्या करूँगा तुमको जान के। तभी जीरेन एक पंच और ब्रोली के मार देता है और ब्रोली कहता है, अब बस बहुत हुआ, दो पंच मार लिए हैं तुमने, तीसरा और मारा तो। तभी जीरेन ब्रोली के पंच मारने वाला होता है, मगर उसी वक्त ब्रोली जीरेन के एक पंच कर देता है जिससे जीरेन दूर हो जाता है। जीरेन कहता है, इसके पंच में तो काफी दम है, ये कौन है? ब्रोली कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी ब्रोली जीरेन के पंच मारने वाला होता है। जीरेन ब्रोली के हाथ को रोक लेता है और ब्रोली को पंच कर देता है। ब्रोली बोलता है, ये काफी पावरफुल है, अब मैं समझ गया कि सन गोकू ने मुझे यहाँ पर क्यों खड़ा करवाया था, मुझे इसे रोकना होगा और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी ब्रोली आगे बढ़ता है और जीरेन के ऊपर पंच करता है और जीरेन ब्रोली पर पंच कर देता है। अब दोनों ही बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं, ब्रोली के पंचेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जीरेन के
पंचेस में भी काफी दम होता है। दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। जिरेन ब्रोली पर की बोल मारने लगता है, मगर ब्रोली को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, कैकरोट, क्या तुम कुछ बोलोगे कि तुम्हारा प्लान क्या है? गोकू कहता है, तुमसे वेट नहीं किया जाता जरा भी। वेजिटा कहता है, हाँ नहीं किया जाता। गोकू बोलता है, तो सुन लो, हमारा अगला प्लान है ब्रोली। वेजिटा कहता है, क्या ब्रोली? वो कहाँ से प्लान में आ गया? गोकू कहता है, ब्रोली है गैलेक्टिक पेट्रोल में और इस समय पर वो ही हमारी मदद कर सकता है। वेजिटा कहता है, मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो शख्स ब्रोली से ही आकर लड़ेगा? गोकू कहता है एक सीक्रेट। वेजिटा बोलता है, तो ये सीक्रेट मुझे कब बताओगे? गोकू कहता है, अभी नहीं, बाद में। वेजिटा कहता है, कैकरोट, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो शख्स कौन है। गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो उसे ब्रोली से मिलवा रहा हूँ। वो शख्स ब्रोली से कभी नहीं मिला। वेजिटा कहता है, ये है कौन? गोकू कहता है, वक्त आने पर पता चल जाएगा, अब तो बस ये पता करना है कि किसमें कितना दम है। कैकरोट, क्या ब्रोली उसे संभाल लेगा? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो शख्स ब्रोली की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान हो जाएगा। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो हमें गुस्से में दिखाई देता है। जिरेन कहता है, क्या इसकी आंखें, इसका गुस्सा तो उस लड़की की तरह है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में थी, उसका नाम केल था। हाँ ये उसी की तरह हरकतें कर रहा है, इसका मतलब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिरेन अब स्माइल करता है और कहता है, इसे तो मैं आराम से संभाल लूंगा क्योंकि ये दिमाग से काम नहीं ले रहा है। जिरेन तभी अपनी स्पीड दिखाते हुए ब्रोली पर हमला करने के लिए जाता है। ब्रोली जिरेन की तरफ देखता है और उसके स्पीड को समझने की कोशिश करता है। अब जैसे ही जिरेन ब्रोली के पंच करने वाला होता है, उसी वक्त ब्रोली भी जिरेन के एक पंच कर देता है, जिससे जिरेन को चोट लग जाती है। जिरेन बोलता है, डैम इट, जितना सोचा ये उससे कई गुना चालाक निकला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी स्पीड से मुझे चकमा दे दोगे? तभी ब्रोली जिरेन के एक और पंच करने जाता है, मगर इस बार जिरेन ब्रोली का हाथ रोक लेता है और एक पंच में ब्रोली को दूर कर देता है। ब्रोली बहुत ही गुस्से में नजर आता है। मैं समझ तो गया हूँ कि मैंने तुमसे भिड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है, क्योंकि तुम्हें खत्म करने में मुझे बहुत ही समय लगेगा। मगर तभी ब्रोली फुल स्पीड में उड़कर आता है और जिरेन के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे जिरेन के बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी जिरेन ब्रोली पर एक की बोल मारता है, मगर ब्रोली भी अपनी एनर्जी से जिरेन की एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है और तभी वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। अब ब्रोली जिरेन को पंच करने जाता है और जिरेन ब्रोली के पंच करने जाता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। दोनों की फाइट से जमीन हिलने लगती है, चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। कभी जिरेन ब्रोली पर भारी पड़ता है और कभी ब्रोली जिरेन पर भारी पड़ता है। दोनों की फाइट से धमाके ही धमाके होने लगते हैं। तभी जिरेन ब्रोली के एक जोरदार पंच कर देता है, मगर ब्रोली को उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि ब्रोली की पावर्स तो और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये किस टाइप का शख्स है? ये सेन है, ये तो मुझे पता चल गया, मगर इसकी पावर बढ़ ही जा रही है। तभी ब्रोली जिरेन को पंच कर देता है। जिरेन को भी अब गुस्सा आ जाता है, लगता है कि ये पागल हो चुका है और पागल होने की वजह से इसे दर्द का पता ही नहीं चल रहा है, मगर मैं हारूंगा नहीं। अब जिरेन और पावरफुल होकर ब्रोली पर काफी सारे पंचेस करता है, जिससे ब्रोली को डैमेज पड़ता है और ब्रोली दूर जाकर गिरता है। ब्रोली अब भी गुस्से में है। जिरेन कहता है, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। तभी जिरेन ब्रोली के ऊपर अटैक करता है, मगर ब्रोली जिरेन को वहां नहीं मिलता है। तभी जिरेन पीछे मुड़ता है और जिरेन के एक जोरदार पंच लगता है, जिससे जिरेन को बहुत ही डैमेज पड़ता है। जिरेन कहता है, ये है कौन? इतनी एक्टिंग तो सन गोकू ने भी कभी नहीं की है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। तभी ब्रोली जिरेन पर हमला कर देता है और जिरेन पर लगातार हमले करता है,
ब्रोली की स्पीड काफी ज्यादा होती है और उसके पंचित की स्पीड तो और भी ज्यादा हो जाती है। तभी जिरेन घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, ये क्या, कौन है ये, और ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। तभी जिरेन ब्रोली पर हमला करने जाता है और फिर ब्रोली भी जिरेन पर हमला कर देता है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जोर जोर से पंचेस करने लगते हैं। तभी जिरेन अपनी और ज्यादा स्पीड दिखाकर ब्रोली पर पंचेस से पंचेस करने लगता है, जिससे ब्रोली को डैमेज लगता है। मैं समझ गया, इसे स्पीड से हराना होगा, इसकी स्पीड मुझसे कम है। तभी जिरेन फिर से ब्रोली के ऊपर पंचेस करता है, जिससे ब्रोली परेशान हो जाता है। अब जिरेन पंचेस के साथ की ब्लास्ट भी ब्रोली पर करने लगता है। ब्रोली को अब डैमेज पहुंचने लगता है, लेकिन तभी ब्रोली और ज्यादा जिरेन पर मार देता है। अब ब्रोली भी जिरेन पर की ब्लास्ट मारने लगता है। जिरेन अब देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है, इसकी पावर्स तो बढ़ती ही जा रही है। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। कैकरोट, क्या तुम बोलोगे कि यूं ही शांत रहोगे? अब गोकू सोचकर बोलता है, अब तक तो टाइम हो जाना चाहिए। कैसा टाइम कैकरोट? चलो वेजिटा। कहां जा रहे हो कैकरोट? ग्रीन लाइट और रेड लाइट के पास। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो जिरेन के पंचेस कर देता है। जिरेन कहता है, नहीं, मैं अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो वेजिटा को मेरी की सेंस हो जाएगी, और ऊपर से ये सेन भी अपनी पावर्स बढ़ाए जा रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी जिरेन मुड़कर भागने की कोशिश करता है, मगर ब्रोली फिर उसे जमीन पर ले आता है। अरे मुझे जाने दो, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी वहां पर गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं। अब वेजिटा जिरेन को देखकर कहता है, जिरेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है, रुको एक मिनट कैकरोट, तुम्हारे ग्रीन लाइट और रेड लाइट का मतलब ये था? हाँ वेजिटा, ब्रोली कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। जिरेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ पर सन गोकू ने बुलाया था? हाँ, मैं एक गैलेक्टिक पेट्रोलर हूँ और मैंने ग्रैंड मिनिस्टर के ऑर्डर फॉलो किए हैं। बाकी की बात लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर होगी। चलो सभी वहाँ पर, और ब्रोली इस जिरेन को भी वहाँ पर ले आओ। नहीं वेजिटा, जिरेन अब खुद हमारे साथ चलेगा, ब्रोली ने उसे सबक सिखा दिया है। ब्रोली तुम्हारा शुक्रिया, मगर जिरेन को अभी सबक सिखाना बाकी है। कुछ देर बाद, गोकू वेजिटा तुम जिरेन को यहाँ पर क्यों लाए हो? जिरेन तुमसे अब ये उम्मीद मुझे नहीं थी, अब खुद अपने मुंह से बोलोगे या मैं बुलवाऊं? लॉर्ड पीरस, लॉर्ड बेलमोड पर जो इल्जाम लगे थे उन सभी का दोषी मैं हूँ। पीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है जिरेन। मैं जानता हूँ, तो अब ये भी बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बेलमोड को क्यों फंसा दिया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बस बेलमोड की मौत चाहता था, मैं किसी भी हालत में उसे मरवाना चाहता था। मगर क्यों तुम उस बेलमोड को मरवाना चाहते हो? वो बेलमोड हर वक्त मेरी इंसल्ट किया करता था, मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट किया करता था, मगर उसने मेरा हमेशा भरोसा तोड़ा। उसने सबके खिलाफ चाले चली, टोपो को भी मेरे खिलाफ उसने भड़काया। बस फिर मैंने सोच लिया कि ये बेलमोड ही मुसीबत की जड़ है, इसे खत्म करना ही होगा। और फिर तुम खुद उसे ना मारकर उसे दूसरे गॉड से मरवाने की प्लानिंग बनाने लगे, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना आए, है ना? हाँ गोकू तुम सही हो, मगर वो सेन कौन था जो मेरे इतने पावरफुल अटैक को आराम से झेल गया? वो एक लेजेंडरी सेन है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। वेजिटा और मैं भी उससे अकेले नहीं हरा पाए थे। जिरेन ये सुनकर शॉक हो जाता है। मगर ये तो टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली लड़की खेल के जैसा था, उसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। यही तो तुमने चूक कर दी जिरेन। ब्रोली एक ऐसा वॉरियर है जो वेडोस से ट्रेनिंग ले चुका है, और तुम उस पर जितने वार करते जाओगे वो उतना ही स्ट्रोंग होता जाएगा, और उसे बेवकूफ़ समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि वो तो समझदार है। बस बहुत हुआ मजाक, अब इसे सजा देने की बारी है।
जिरेन ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेजिटा पूछता है, जिरेन क्या तुम अपनी गलती मानते हो? हाँ लॉर्ड वेजिटा। तो फिर ये सजा भी तुम अब एक्सेप्ट करो। ठीक है, मैं रेडी हूँ। तभी वेजिटा जिरेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तुमने गॉड्स को परेशान किया है, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। जिरेन, तुम अब अपने लोगों को याद कर लो, क्योंकि अब तुम जाने वाले हो। जिरेन शांत हो जाता है। बीरस अब वेजिटा की तरफ देखता है और सोचता है कि वेजिटा क्या सच में जिरेन को हकाई करने वाला है। कैकरोट, क्या करना चाहिए? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो वेजिटा? मेरा काम था मुजरिम को तुम्हारे सामने लाना, वो मैंने कर दिया। लॉर्ड बीरस, आप क्या बोलते हो? वेजिटा, ये डिसीजन तुम्हारा है, जो करना है करो। अब वेजिटा स्माइल करता है। ऐसी बात है तो ठीक है, जिरेन मैंने तुम्हें माफ किया। अब ये सुनकर जिरेन शॉक हो जाता है और बीरस भी शॉक हो जाता है, लेकिन गोकू स्माइल कर रहा होता है। जिरेन शॉक होते हुए बोलता है, वेजिटा तुमने मुझे माफ कर दिया। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जिरेन, तुमने क्या सोचा कि अगर मैं डिस्ट्रॉयर हूँ तो मेरे अंदर दिल नहीं होगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत ही हुआ है, वो जोकर बस तुम्हारा फायदा उठाता आया है। तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, तुम भी हम जैसे हो। कैकरोट और मैंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है। वेजिटा, मगर मैंने तो क्राइम किया है ना? हाँ, मगर ये तुमने बस इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ही टॉर्चर हुआ है, और अभी तो तुम्हारा वो बुढ़ा दोस्त भी जिंदा है, उसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? हाँ जिरेन, और एक बात, तुम आज इसलिए बचे हो क्योंकि तुम अच्छे पर्सन हो, तो ऐसी हरकत अब तुम फिर से मत करना, क्योंकि ये तुम पर सूट नहीं करता। मगर बाकी के डिस्ट्रॉयर, उन्हें तो गुनेगार चाहिए। उनकी टेंशन तुम मत लो। जिरेन, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वेजिटा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो जिरेन, और तुम्हें ये जो मौका मिला है उसका तुम्हें ध्यान रखना है। मैं समझ गया हूँ। अब जिरेन वहां से चला जाता है। गोकू स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा पूछता है, स्माइल क्यों कर रहे हो कैकरोट? मैं जानता था वेजिटा कि तुम जिरेन को माफ कर दोगे। तुम्हें कैसे पता चला कैकरोट? मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया था। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? मगर कैसे? मेरे पास ग्रैंड मिनिस्टर की पावर जो है। अच्छा, इसलिए तुम ऐसा कर पाए। हाँ वेजिटा। मगर कैकरोट, तुमने ये कैसे पता लगाया कि असली क्रिमिनल कौन है? अभी नहीं वेजिटा। नहीं, अब तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ये कैसे पता किया। तुमने जिरेन की फील्डिंग कैसे लगाई? ठीक है, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं ग्रैंड मिनिस्टर के पैलेस में गया था, जहाँ पर मुझे एक मिरर मिला, और जब मैंने उस मिरर को देखा तब वो मुझे नॉर्मल ही लगा, मगर फिर मुझे उसमें मल्टीवर्स की सभी रिपोर्ट्स मिलने लगी। तुम्हारा मतलब जैसे टीवी पर न्यूज देखने को मिलती है वैसे? हाँ एकदम सही। तभी तुम ऐसा कर पाए। मगर तुमने इसे पहले ही देख लिया था, तो तब तुमने गॉड्स की मीटिंग में कुछ क्यों नहीं किया? गोकू स्माइल करता है और कहता है, इसके दो रीजन थे। अगर मैं जिरेन का नाम वहाँ ले लेता, तब सभी डिस्ट्रॉयर उसे खत्म करने की डिमांड करते, और फिर तुम भी जिरेन को मारने की कोशिश करते, जैसे तुमने बेलमोट के लिए किया। दूसरा रीजन ये है कि मैं तुम्हारे बारे में चेक करना चाहता था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी पहले वाला वेजिटा है, या फिर गॉड बनने के बाद तुम्हारा भी मन बदल गया है। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे। अब सीन जाता है जिरेन पर, और वो अपने यूनिवर्स में होता है। जिरेन, तुम कहां पर थे? मैं एक जरूरी काम से गया हुआ था। तभी वहां पर बेलमोड आता है और कहता है, टॉम और जिरेन, अपना ध्यान रखना, मैं अब यहां से जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हो लॉर्ड बेलमोड? मैं अब यहां से दूर चला जाऊंगा, फिर मैं किसी की नजरों में नहीं आऊंगा। मगर लॉर्ड बेलमोड, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुजरिम अब पकड़ा गया है। बेलमोड ये सुनकर शॉक हो जाता है। क्या बात कर रहे हो जिरेन? हाँ लॉर्ड बेलमोड, असली मुजरिम पकड़ा गया और उसे उसके किए की सजा भी मिल गई। अब बेलमोड खुश हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो मेरा जाना कैंसिल, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर ये तुम्हें किसने बताया जिरेन? मुझे ये सब सन गोकू ने बताया। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो बोलता है,
आज तो जिरेन बहुत खुश होगा और उससे भी ज्यादा वो बेलमोड खुश होगा। खुश क्यों नहीं होगा, जान जो बच गई है। वैसे गोकू, ये ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ पे गए? गोकू कहता है उन्हें कोई काम था इसलिए वो मल्टीवर्स से भाग गए हैं। मगर वो आएंगे कब तक? ये तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला था कि उन्हें टाइम लगेगा आने में। अच्छा कैकरोट, तुम ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस के बारे में बोल रहे थे, तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? वजीटा, तुम यकीन नहीं करोगे कि ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में इतनी ज्यादा मिस्ट्री भरी पड़ी है कि क्या बताऊं। क्यों कैकरोट, ऐसा क्या है वहाँ पर? अभी मैंने वहाँ का पूरा विजिट नहीं किया है, मगर वहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब टाइप के लोग मिले थे। तभी विच वहाँ आता है और बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप पैलेस में जाकर आ गए। हाँ विच, तो फिर आपको वहाँ पर क्या मिला ग्रैंड मिनिस्टर? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा मतलब कि कुछ इतना खास नहीं मिला। क्या आप उस पैलेस को पूरा चेक कर चुके हैं? गोकू कहता है, नहीं विच, मुझे अभी भी वहाँ पर जाना है और भी जानकारी निकालनी है। वैसे वहाँ के बारे में तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? विच बोलता है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर फादर ने ऐसा क्या छुपाया है। अब ये सब तो वहीं पर जाकर पता चलेगा विश। कैकरोट, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं वजीटा, बता देना अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो, क्योंकि तुम भी मेरी काफी हेल्प कर चुके हो। हाँ ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं अब जाता हूँ। ओके ठीक है कैकरोट। अब गोकू वहाँ से चले जाता है। वजीटा कहता है, विश, कल गॉड की एक मीटिंग और रखना, और याद रखो उसमें बेलमोड भी होना चाहिए। मगर लॉर्ड वजीटा, बेलमोड तो अब गॉड है ही नहीं, उन्हें क्यों मीटिंग में बुलाना है? तुमसे जो कहा है वो करो, मुझे बेलमोड भी मीटिंग में मौजूद मिलना चाहिए। जी लॉर्ड वजीटा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिंस के पैलेस में होता है। इस हिरन में सिर्फ आस पास की जगह ही दिखाई देती है या फिर और भी कुछ नजर आता है इसमें? अब गोकू उस मिरर के पास जाता है और उस मिरर को घूरने लगता है और फिर तभी उस मिरर का धुआं बढ़ने लगता है। गोकू कहता है, ये क्या, इसमें से इतना ज्यादा धुआं क्यों आ रहा है? तभी वो मिरर चमकने लगता है और गोकू वहां से गायब हो जाता है और हमें वहां पर वो मिरर ही नजर आता है। और वजीटा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने सभी एंजल्स को मैसेज भेज दिया है ताकि वो अपने डिस्ट्रॉयर को मीटिंग में भेज सकें। वेरी गुड विश, और तुमने स्पेशली उस बेलमोड को लाने के लिए कह दिया था ना? जी लॉर्ड वजीटा, मैंने वो भी बोल दिया है, थोड़ी देर में उन्हें मैसेज भी मिल जाएगा। अब सीन जाता है बेलमोड पर और वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। बेलमोड कहता है, वाह, आज का दिन तो काफी अच्छा लग रहा है, मौसम भी सुहाना है और मैं टेंशन फ्री फील कर रहा हूँ। गोकू का बहुत ही शुक्रिया जो उसने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ पर टोपो आता है। लॉर्ड बेलमोड, क्या बात है, आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों ना हो टोपो, आज यहाँ मैं जिंदा खड़ा हूँ, मैं आजाद हूँ, मेरा आप कोई दुश्मन नहीं है और आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा। लॉर्ड बेलमोड, आपकी खुशी देखकर तो मुझे भी खुशी हो रही है। अच्छा फिर तुम हंस क्यों नहीं रहे हो, और तुम्हारी शक्ल से तो लगता नहीं कि तुम खुश हो। अरे लॉर्ड बेलमोड, आप शक्ल पर मत जाइए, मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ। अब शक्ल से देखने से तो आप भी जोकर जैसे हो, मगर आपका दिमाग कितना तेज है। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ लॉर्ड बेलमोड। आज तो पार्टी करनी ही पड़ेगी टोपो, पार्टी करनी ही पड़ेगी। तभी वहां पर आती है मार्गरिटा और बोलती है, लॉर्ड बेलमोड, आपके लिए मेरे पास एक मैसेज है। मैसेज भी पढ़ लेंगे, पहले एक पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर दो, आज मेरा पार्टी करने का मन कर रहा है। लॉर्ड बेलमोड, लॉर्ड वजीटा ने गॉड्स की एक और मीटिंग रखी है। अब बेलमोड शांत हो जाता है। मार्गरिटा कहती है, लॉर्ड बेलमोड, और लॉर्ड वजीटा ने स्पेशल आपको बुलाया है और कहा है कि बाकी गॉड्स आए या ना आए, मगर बेलमोड वहां जरूर आना चाहिए। तभी बेलमोड चिल्लाता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं कट गए, मैं मर क्यों नहीं गया? आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बेलमोड, आपको मरवाने की मदद मैं कर दूंगा। तभी बेलमोड गुस्से में कहता है, चुप करो बुड्ढे। तो लॉर्ड बेलमोड,
आप बताइए कि कौन सी जगह पर पार्टी रखनी है। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? यहाँ पर जान जाने वाली है और तुम पार्टी की बात कर रही हो। मैं तो आप ही की बात बोल रही थी लॉर्ड बेलमोर। मार्गरिटा, मीटिंग में कब जाना है? कुछ देर बाद लॉर्ड बेलमोर। अरे ये तो मुश्किल हो गई है। अरे मार्गरिटा, क्या तुम मुझे गोकू के पास ले जा सकती हो? नहीं लॉर्ड बेलमोर, मेरी स्पीड इतनी नहीं है कि मैं आपको वहाँ तक ले जा सकूँ। फिर तुम मुझे कहीं दूर ले जाओ ताकि मैं किसी को ना मिल पाऊँ। ये तो नहीं हो सकता है लॉर्ड बेलमोर, मुझे आपको वहाँ पर लेकर जाना ही होगा। बेलमोर घबराते हुए कहता है, अरे टोपो यार, मुझे बचा लो, पता नहीं कि वो वजीटा क्यों मेरे पीछे पड़ा है। लॉर्ड बेलमोर, वजीटा नंबर वन डिस्ट्रॉयर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब लगता है कि मुझे भागना ही होगा। तुम लोग बोल देना कि बेलमोर मर गया है, ठीक है? तभी मार्गरिटा कहती है, लॉर्ड बेलमोर आप कहीं भी भाग लीजिए, मैं आपको ढूंढ कर उस मीटिंग में ले ही जाऊंगी। बेलमोर कहता है, टोपो ये बहुत बोल रही है, इसे ऑर्डर दो अभी के अभी और बोलो कि ये मुझसे माफी मांगे। टोपो कहता है, मार्गरिटा तुम्हें लॉर्ड बेलमोर से ज्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें उन्हें डायरेक्ट पकड़ कर मीटिंग में ले जाना चाहिए। तभी मार्गरिटा बेलमोर को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक नए वर्ल्ड में आ चुका है। गोकू कहता है, ये मैं कहां आ गया हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो उस मिरर के सामने था ना। तभी वहां पर वजीटा उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी वजीटा गोकू पर हमला करता है, मगर गोकू उससे बच जाता है। गोकू कहता है, हे वजीटा, तुम ये क्या कर रहे हो? वजीटा स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। गोकू कहता है, क्या मतलब? तभी वजीटा गोकू पर एक और हमला करता है, मगर गोकू गिर से बच जाता है। गोकू बोलता है, वजीटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वजीटा स्माइल करते हुए कहता है, तुम और मेरे दोस्त, ये हो ही नहीं सकता है। गोकू अब सोचता है और कहता है, ये मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वजीटा गोकू पर एक और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू अपनी गॉड ब्लू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वजीटा हैरान हो जाता है। वजीटा बोलता है, ये कौन सी फॉर्म है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या ये भी एक गॉड फॉर्म है? गोकू बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वजीटा कहता है, तुम कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, इसका मतलब कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वजीटा कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। गोकू कहता है, वजीटा ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सन गोकू। वजीटा कहता है, सन गोकू? मैं किसी सन गोकू को नहीं जानता हूँ। गोकू कहता है, मेरा मतलब कि मैं कैकरोट हूँ। वजीटा अब थोड़ा सोचता है और बोलता है, क्या कैकरोट? तुम कैकरोट हो? गोकू कहता है, हाँ वजीटा। वजीटा कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैकरोट तो बचपन में ही मारा जा चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो वजीटा? गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। वजीटा कहता है, हाँ जब कैकरोट बचपन में ही मर चुका है तो तुम कहाँ से पैदा हो गए? गोकू कहता है, इसका मतलब यहाँ पर मैं बचपन में ही मर गया हूँ। वजीटा कहता है, बताओ मुझे कि तुम कौन हो? गोकू कहता है, मेरा नाम है सन गोकू और मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। लेकिन तुम? वजीटा कहता है, मैं हूँ यहाँ का गॉड, सुपर सेंट गॉड। गोकू कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गोकू यानी कि कैकरोट बचपन में उसकी मौत कैसे हुई? वजीटा कहता है, वो लंबी कहानी है, हमारे प्लेनेट को फ्रीजा नाम के एक शख्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहीं वो मारा गया था, और फिर मैंने अकेले फ्रीजा से फाइट की और उसे हराया। गोकू कहता है, ओ अब समझ आया, यहाँ का हीरो वजीटा है और मुझे यहाँ पर मोम डैड ने अर्थ पर नहीं भेजा था, और इस वजीटा की गॉड फॉर्म अभी हाईएस्ट फॉर्म है। अब सब मैटर मुझे समझ आ चुका है। वजीटा बोलता है, तुम भी एक सैन हो, जरा अपने बारे में बताओ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, मैं हूँ मल्टीवर्स का ग्रैंड मिनिस्टर। वजीटा सोचता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मगर ये क्या होता है? गोकू बोलता है, क्या तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर के बारे में नहीं पता? वजीटा कहता है, नहीं तो।
अब सीन जाता है अपने रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर वेजिटा के सामने चैंपा, क्यूटेला, सिड्रा, बाकी सभी गॉड्स होते हैं और बेलमोड भी वहाँ पर होता है। वेजिटा सोच रहा होता है और ये देखकर बेलमोड घबरा रहा होता है। बेलमोड बोलता है, वेजिटा एक बात बताओ। वेजिटा बोलता है, पूछो बेलमोड। बेलमोड कहता है, गोकू कहाँ पर गया है? वो नहीं आया यहाँ पर। वेजिटा कहता है, वो अब यहाँ नहीं आएगा बेलमोड, उसे मैंने बिजी कर दिया है। बेलमोड ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या, गोकू यहाँ नहीं है, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, क्या कर, और तो यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए अब उसका इंतजार मत करो। बेलमोड कहता है, वेजिटा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। वेजिटा कहता है, चुप करो तुम, इसका फैसला मैं करूँगा ना कि तुम। बेलमोड कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है, अब सब ठीक होगा बेलमोड, तो सभी गॉड्स आप यहाँ आ चुके हो। चैंपा बोलता है, हाँ वेजिटा हम सभी आ गए हैं। वेजिटा कहता है, जिस मुजरिम ने चैंपा के यूनिवर्स में हमला किया था, उसी ने मेरे यूनिवर्स में भी हमला करने की कोशिश की थी और फिर वो पकड़ा गया और उसे मैंने सजा दे दी है। बेलमोड ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, इसका मतलब मैं वो दोषी नहीं हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं तो मैंने यही बताने के लिए सबको यहाँ बुलाया है कि अब सब ठीक हो गया है तो सभी शांति से रह सकते हैं। चैंपा कहता है, अब तुम ये बोल रहे हो तो सब ठीक ही होगा, हमें तुम पर विश्वास है। बेलमोड कहता है, मगर यहाँ मुझे बुलाने का कारण क्या है वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ मुझे तुमसे भी कुछ पर्सनल बात करनी है, इसलिए बाकी के गॉड्स जाएंगे, बस बेलमोड यहाँ पर रुकेगा। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।